Hello my beautiful people, welcome back to my channel. I am Anjana. I hope आप सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं. I hope आपको मेरी last video पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि घर में हम rose cream और rose water कैसे बना सकते हैं. अगर आपने मेरी last video को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने link description box में share किया है, please go and watch. गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की कि अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है. इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बालों का ख्याल कैसे रखना है. इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करनी हैं. पहला, मैं आपको एक हेयर पैक बनाना बताऊंगी. दूसरा, आपको मैं एक हेयर सीरम बनाना बताऊंगी. तो हेयर पैक आपको यूज़ करना है वंस अ वीक एंड हेयर सीरम आप डेली यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, द रिजल्ट्स आर सुपर्ब, जस्ट माइंड ब्लोइंग. मैं ये रूटीन काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. ये दोनों चीज़ अपनी रूटीन में अपनाने से यू विल हैव स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी, स्मूथ एंड ब्यूटीफुल हेयर. हेयर पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कर्ड. कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड जो हमारे बालों को रूट से टिप तक पोषण देता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है. अगर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन है तो ये उनको भी दूर करता है. फिर हमें चाहिए ग्लिसरीन. ग्लिसरीन में होता है ग्लाइकोलिक एसिड जो हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है, आपके डल और ड्राई हेयर को ट्रीट करता है, आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की बनाता है. फिर हमें चाहिए कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल में होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है और आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है. फिर हमें चाहिए हनी. हनी हमें चाहिए 2 टेबलस्पून. हनी हमारे बालों को डीप कंडीशन करता है, स्प्लिट एंड्स को दूर करता है, हेयर पैक के इफेक्ट को दुगना कर देता है और इसमें होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फुल ऑफ विटामिन्स जिससे हमारे बालों को नरिशमेंट मिलता है. फिर हमें चाहिए काली मिर्च. काली मिर्च हमें सिर्फ एक चुटकी लेनी है. अगर आपके सर में बाल पैचेस हो गए हैं, रफ हेयर हैं, तो काली मिर्च स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इनक्रीज़ करेगा, हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन मिलता है और हेयर ग्रोथ होता है. इन सब प्रोडक्ट्स को आप मिक्सर के जार में 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंड कर लें. इससे आपके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और आपके बालों में आप इसको कॉटन से या ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें. 30 मिनट्स के लिए अपने बालों में रखें और फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें. ग्राइंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी. अब इसको आप या तो ब्रश या कॉटन की हेल्प से अपने बालों में लगा लें. गाइस, हमने हेयर पैक को बनाना सीख लिया है. अब देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है. मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये हेयर पैक जो भी हमने बनाया है इसको मैं अप्लाई कैसे करूँगी. सबसे पहले आपको एक कॉटन लेनी है. कॉटन लेने के बाद आपको इसको डिप करना है. सबसे पहले इसको रूट्स में अप्लाई करना है. आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कॉटन प्रेफर करती हूँ स्कैल्प में लगाने के लिए. और इसको लगाकर हमें 30 मिनट्स रखना है और 30 मिनट्स के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करने हैं. इस तरीके से आप पार्टिंग कर करके प्लीज़ इंश्योर कि आपके बालों में अच्छे से लगाएं. और जब आपके सारे रूट्स में लग जाए उसके बाद आपको इसे ऐसे स्पून से अपने हाथ में लेकर ऑयल की तरह अपने बालों की लेंथ में लगाएं. इसको ऐसे लगाने के बाद, सारे बालों में लगाने के बाद 30 मिनट्स वेट करना है आपको. और 30 मिनट्स वेट करने के बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है. हेयर सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 4 चीज़ें.
पहला गुलाब जल जो मैंने जो घर में बनाया है मैं वही यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहें तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है ऑलिव ऑयल, फिर मैं लूँगी एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स। तो हमें सबसे पहले करना है 7 से 8 चम्मच एलोवेरा जेल। ये सब आप डायरेक्टली एक मिक्सर में डालें क्योंकि हमें इसको मिक्सर में डाल के ब्लेंड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, चार से पांच चम्मच गुलाब जल, फिर हमें चाहिए विटामिन ई की कैप्सूल्स। यहाँ पे मैं 2 कैप्सूल्स यूज करूंगी, इसको आगे से कट किया एंड इसका एक्सट्रैक्ट मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको करूंगी 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंड एंड लेट मी गेट बैक टू यू। गाइस, हमारा हेयर सीरम बनके रेडी हो चुका है और ये मिक्सर में ब्लेंड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस हेयर सीरम को यूज़ कैसे करना है। आपको लेनी है मटर के दाने जितनी क्वांटिटी अपने हाथों में, इसको हल्के से रब करें और फिर अपने बालों की लेंथ में लगाएं। गाइज, ऑलवेज इंश्योर कि आप अपने टिप्स में ज़रूर लगाएं क्योंकि यही हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, हमारे बाल यहीं से सबसे ज़्यादा डल लगते हैं। कैन यू सी द शाइन? I don't know if it's visible on the camera. Guys, ये हेयर सीरम ना सिर्फ आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की बनाएगा, ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेगा। आपके हेयर नेचुरली सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। हेयर सीरम की शेल्फ लाइफ है 15 टू 20 डेज। आप इसको आराम से 15 से 20 दिन के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हेयर सीरम आपको लगाना है डेली एंड हेयर पैक आप वंस अ वीक यूज़ कीजिए। एंड गाइस, प्लीज़ यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। लव एंड पीस, बाय बाय।